जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं की। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप में, जो कि आपको यहाँ पे बनाना था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर को भी लिखा है, और जो भी अच्छे आंसर थे उनको मैं क्या कर रहा हूँ, उनको लिए आपका यूट्यूब पे एक स्पेशल सीरीज ही बना रहा हूँ आपका बीपीएससी का, बीपीएससी पीवाईक्यूज के नाम से, प्रीवियस ईयर बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। तो आपको जो भी लगता है कि आप प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन देखना चाहिए, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहेगा आपको हेल्प के रिगार्डिंग। तो ठीक है, तो अगर आपको आप हमारे बीपीएससी मेंस से जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी मेंस से, तो आप हमें 6200922032 पे आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा। इसमें टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना है, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा, आप उस लिंक से आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे 5000 से अधिक लोग वहाँ पे ज्वाइन हुए हैं जो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप भी अब क्या कीजिए, आप अभी आप ज्वाइन करना कर लीजिए जल्दी से। फ्री आंसर राइटिंग सीरीज है और देर मत कीजिए। आप जानते हैं कि बीपीएससी 676 में जो आपका जो मेन लीड रोल में कौन थे, वही लोग आए हैं जो बीपी आपका प्रीवियस ईयर जो मेंस प्रैक्टिस जो किए हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए हैं, वही लोग बाजी मारे हैं। तो आंसर प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल कितना ज़रूरी है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, और आप लोग काफ़ी हद तक सीखेगा, और यहाँ से भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अरे यार वो कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसे करते करते ना, पहले पहले जब मैं क्वेश्चन देता था तो मुश्किल से एक या कोई नहीं करता था। धीरे धीरे एक ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे दो चार दिन बाद दो ने स्टार्ट किया, और आज देखिए 8 से 10 लोग यहाँ पर डेली आंसर राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो आप भी आइएगा धीरे धीरे, लेकिन है अभी अभी मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स पर फोकस है, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 भी आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। आज अपने आपको अपना सक्सेस करना है तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक बता फिर से बता देता हूँ, आपका जो आप हमें 6200922032 पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपके मौर्य कला के बारे में, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मौर्य कला भारतीय ऐतिहासिक आंचल की गौरवशाली कलात्मक संस्कृति का पाठ प्रदर्शक है, जो राजकीय कला के साथ साथ लोक कला के रूप में विद्यमान है। वस्तुतः सर्वप्रथम पाषाण के प्रयोग चमकदार पॉलिश आदि की स्वतंत्र कलाकारों के लिए खोज का विषय है। तो ये आपका मौर्य कला का बेहतरीन इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रस्तुत की है। इंट्रो यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है मौर्य कला के बारे में, और इसका जो मौर्य कला का जो मैंने इंग्लिश में भी आपको अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा। वहाँ से क्या हेल्प लेना है, वहाँ से आपको आंसर रिप्रेजेंट करने का तरीका मिल जाएगा। इंग्लिश वाला जो है आपका आंसर बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप वहाँ भी आप उसको आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पे लाया है, इनके भी आंसर को लाया है। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। यहाँ पे फिर मौर्य कला का इन्होंने वर्गीकरण किया है, किसमें, राजकीय में और लोक कला में। तो राजकीय में क्या क्या आपका राजप्रसाद हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा और गुहा हो जाएगा। फिर आपका लोक कला में आपका मृदभांड और मूर्ति कला यहां पे दी गई है। मौर्य कला के इन सभी स्वरूपों की विशेषताएं अपने स्थापना के मुताबिक अलग अलग है, जो निम्नलिखित है, बताया गया जो इनमें से कोई है। अब यहाँ पे राज प्रसाद को यहाँ पे डिफाइन करते हुए लिखी है कि पटना के कुम्हरार में 84 पाषाण स्तंभ के सहायता से 140 फुट × 120 फुट आमाप का यह विशाल भवन अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। इस भवन राजप्रसाद की विशिष्टता का अंदाज इस कथन से लगाया जा सकता है कि एरियन, इसको क्या कहते हैं, एरियन जो जगह था, यह सूसा और बेतना का राजप्रसादों को भी भव्य था, यानी सूसा और बेतना का इसको दिया गया था। नेक्स्ट फिर यहाँ पे फाहियान ने क्या कहा था, मानव निर्मित नहीं यह देव निर्मित है। फाहियान ने कहा था कि जो ये जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का महल है जो कि लकड़ी का बना हुआ था, तो इसको मानव निर्मित नहीं यह देव निर्मित बताया था। फिर मेगास्थनीज ने पूरे पटना शहर की भव्यता का व्याख्या करते हुए बताया कि नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवारें था, कि नगर के चारों ओर कैसी दीवारें थी, तो लकड़ी की दीवार था। तो यहाँ पे किसने बताया, आपका मेगास्थनीज ने। तो कौन कौन थे यहाँ पे, आपका एरियन हो जाएंगे, फाहियान हो जाएंगे, और मेगास्थनीज ने इनको डिफाइन किया था, अच्छे से बताया था। मौलिक विशेषताएं क्या थी, तो मौलिक विशेषता जो यहाँ पे थी कि छत एवं फर्श लकड़ी का बना हुआ था और पाषाण स्तंभ पर खड़ा था। देख लीजिए किस पे खड़ा था, पाषाण स्तंभ पे खड़ा था, और छत और फर्श जो थी लकड़ी की बनी हुई थी। अब यहाँ पे डिफाइन किया है स्तंभ को, स्तंभ में क्या है आपका, मौर्यकालीन शासक अशोक के द्वारा धम्म के प्रचार के लिए प्रयोग किया गया है। स्तंभ में पे उल्टा कमल, अधोगामी, शीर्ष पे पशु आकृति
आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, ठीक है। आदर्श आपको पता ही है कि यहाँ पे आपका ये है, फिर यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे आपका एनिमल फिगर बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर मौलिक विशेषताएँ क्या है आपका स्तंभ के बारे में, तो आपको आंसर राइटिंग यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं, तो आप लिखते भी जाइएगा। मौलिक विशेषताएँ क्या क्या है, तो आपका है एकाश्मक पत्थर जो कि चुनार बलुआ पत्थर से तराश कर लाया गया है। तो कहाँ से लाया गया है ये, तो आपका चुनार से लाया गया है। एकाश्मक पत्थर जो कि चुनार बलुआ पत्थर से तराश कर लाया गया है। दूसरा आपका बिना चौकी अथवा आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, बिना चौकी अथवा आधार के भूमि पर कहाँ पर टिकाए गए हैं। तीसरा यहाँ पर पॉइंट लिखी है इन्होंने, स्वतंत्र रूप से खुले आकाश के नीचे, कहाँ पे है, स्वतंत्र रूप से खुले आकाश के नीचे में दिया गया है। शीर्ष पर पशुओं की आकृति बनाई गई है और सपाट स्तंभ है, स्तंभ कहता सपाट है। और छठा है आपका चमकदार लंबे 35 से 40 फीट तक सुडौल नीचे से ऊपर पतले चौकार अवस्था में चौकार अथवा गोलाकार बनाया गया है इसको। और एग्जाम्पल कहाँ का दिया है, तो एग्जाम्पल ये जो दिए हैं आपका सारनाथ का, लौरिया नंदनगढ़ का और संकिसा का दिया गया है। संकिसा लौरिया नंदनगढ़ और सारनाथ का हो गया यूपी में, संकिसा भी यूपी में हो गया और लौरिया नंदनगढ़ भी कहाँ पे आ गया, बिहार के चंपारण में आ गया। नेक्स्ट है आपका अस्तूप। अस्तूप क्या है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि को 8 भागों में बांटा गया, उन पर समाधियों का निर्माण किया गया जिसे अस्तूप कहा गया। ये अस्तूप प्राय क्या है, ईंट अथवा पत्थर के बने ठोस गुंबद से होते हैं। तो किसे बना था, ठोस गुंबद से बना था। फिर देखिए, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि को 8 भागों में बांटा गया था, उन पर समाधियों का निर्माण किया गया जिसे अस्तूप कहा गया, तो उसका क्या क्या है, अस्तूप कहा गया। और ये अस्तूप प्राय किसे बना था, तो आपका ईंट अथवा पत्थर से बने होते थे। नेक्स्ट आप अस्तूप का विशेषण देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि तोरण पर नक्काशी पशुओं की आकृति दी गई थी। तोरण पर क्या किया था, नक्काशी दिया गया था और आपका पशुओं की आकृति दी गई थी। वेदिका पत्थर से अलंकरण था, तो वेदिका किससे था बना हुआ, पत्थर से अलंकरण था। मेधी जो था, मेधी और वेदिका एवं मेधी के बीच में परिदक्षिणा पथ था, परिदक्षिणा पथ जहाँ पे आपका परिक्रमा करते थे पूजा अर्चना के लिए, परिक्रमा करने के लिए। नेक्स्ट आपका अंडा जो था आपका अर्धवृत्ताकार ठोस गुंबद का बना हुआ था। हर्मिका जो था भगवान बुद्ध की अस्थि थी और छत्र वहाँ पे बनाया गया था। और यहाँ पे जो इसका एग्जांपल कहाँ से मिलता है आपका, सांची से मिलता है, सारनाथ से मिलता है, पिपरवा से मिलता है और गया आदि से मिलता है। तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है, इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया कि क्या आपका अंडा है, क्या हर्मिका है और क्या छत्रक है, वो सबको अलग अलग डिफाइन किया और एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। अब गुहा का विहार, गुहा विहार का क्या है आपका, पर्वतों को काट कर आजीविकों के रहने के लिए बनाई गई गुफाएं मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। तो पहले तो क्या करते थे, आजीवक इस गुफा में रहते थे, लेकिन फिर जो बाद में इसको बौद्ध धर्म भी, यहाँ पे बौद्ध लोग भी आपके इसमें रहे हैं। इसे अशोक तथा दशरथ के बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी में बनाया गया था। तो कहाँ कहाँ आपका नागार्जुन और बराबर के पहाड़ी में बनाया गया था। विशेषता तो आपकी याद रखिएगा, आपका बराबर के पहाड़ी में कितने गुफाएं, 4 गुफाएं, नागार्जुन में आपका 3 गुफाएं। तो इन चारों और तीनों सातों का वर्णन किया गया है इंग्लिश वाले में, आप देख लीजिएगा, ये बहुत कम थोड़ा सा किए हैं। नेक्स्ट आपका विशेषता है कि आपका लकड़ी के कार्य की नकल की गई है। यहाँ पे गुफाओं की छत एवं फर्श पर चमकदार पॉलिश किया गया है और आयताकार कमरा छत मेहराबदार बेलनाकार बनाया गया है। मेहराबदार छत में जालीदार कार्य विशेष किए गए हैं। फिर जैसे एग्जाम्पल होगा सुदामा केव, गोपी गुफा केव और लोमा शीर्ष केव, ये आपका किसका उदाहरण है, तो आपका नागार्जुन केव का है। नागार्जुन गुफा में आकर आपका सॉरी यहाँ पे आपका फिर यहाँ पर बराबर नागार्जुन, ये आपका बराबर जो गुफा है उसमें यहाँ पे सुदामा के गोपी गुफा और लोमा शीर्षी का गुफा यहाँ पे बताया गया है। फिर आपका यहाँ पे मृद भांड जो है इस समय में है आपका जन कला के रूप में संपूर्ण मौर्य समाज में प्रचलित था, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी मृद भांड की, तो ये थी आपकी चमकीले पॉलिश एवं मृद भांड पर पशु पक्षी एवं पौधे के आकृति की गई थी। किसका किसका था, पशु का था, पक्षी का था और पेड़ का था, पेड़ पौधे का, कहाँ पे आपके मृद भांड पे। फिर यहाँ पे मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला राजकीय तथा जनकला दोनों में पर्याप्त था। तो मूर्तिकला में क्या था, मौर्यकालीन जो था मूर्तिकला और राजकीय कला दोनों में क्या था आपका प्रचलित था। राजकीय मूर्तिकला की विशेषताएं क्या क्या थी, तो यही था चट्टानों को काटकर आकार दिए थे, चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, बारीकी से तराशकर संजीवता मौलिकता तथा प्रदर्शन दिया किया गया था। फिर यहाँ पे उदाहरण के लिए उड़ीसा के धोली चट्टान को काटकर हाथी का आकृति तथा कालसी देहरादून का हाथी का आकृति दिया गया था। तो कहाँ पे आपका उड़ीसा के धौली में और आपका कालसी देहरादून में दिया गया है। नेक्स्ट आपका लोक कला की विशेषताएं क्या क्या है, तो मौर्यकालीन लोक कला समाज में लोक अभिरूपी के चित्रों की निर्माण किया गया जो धर्म निरपेक्षता की बोध कराते हैं। किसका किसका, धर्म निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का बोध कराता है। नेक्स्ट है जैसे कि मथुरा के परखम ग्राम से यक्ष की मूर्तियां, पटना के दीदारगंज से
चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मिली है। अब पटना के लोहानीपुर से दो नग्न पुरुषों की, पुरुषों ने जैन जैन पुरुषों की, जैन लोगों की, जैन दो जैन संतों की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने दिया है। निष्कर्ष है यहाँ पे, मौर्य कला भारत में कला की अस्थायित्व प्रदान किया, जिसके आधार पे कालांतर में भारतीय कला फलती फूलती रही। साथ ही उनमें जो कल्पना भक्ति शिल्प सौंदर्य सपनाशीलता विद्यमान था, वह उसी कला प्रौढ़ता में दर्शाता है। तो ये था आपका मौर्य कला के बारे में यहाँ पे, मौर्य कला के बारे में यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ये था आपका, कितने लाइन में था आपका, चार पेज में यहाँ पे इन्होंने बताया है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया और राइटिंग बुक काफ़ी सुंदर है। तो आपको भी इसी टाइप का आपको आंसर लिखना पड़ेगा, आंसर रिप्रेजेंटेशन यही करना पड़ेगा आपका। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट दिया है, कंक्लूजन को थोड़ा सा और बड़ा करना था। फिर जहाँ बीच वाला आपका, बीच वाला पार्ट क्या है आपका, एक्सप्लेनेशन पार्ट है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और फिर जो है आपका शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और ये आपका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इससे भी अच्छा करना है और सीखना है, धीरे धीरे अपने आप सीखते आ जाएगा, सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी और आपके आंसर राइटिंग सीरीज में, तो मिलते हैं। और एक बात और, लास्ट में जाने से पहले अगर आपको इसी तरह का आंसर आपको लिखना है, देखिए आंसर क्या होता है, हम जो जो वहाँ पे परफेक्ट आंसर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब करें, यूट्यूब पे तो लाते ही लाते हैं, उसको साथ में उसका जो PDF आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देते हैं। तो आपको आप एक बार जाइए वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा, आराम से आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ठीक है, चाहे आप अपना नोट्स बना लीजिए, चाहे आप वहाँ पर डाउनलोड किया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 6200922032 पे हमारे फ्री आंसर राइटिंग कोर्स में जुड़िए, और इसके लिए आपको टेलीग्राम पे हमें मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।